इंडिया में कहीं शहर घूम चुका हूँ, बट देर इज नन लाइक दिस। लाइक जस्ट इमेजिन, ग्रैंड हिस्ट्री, ह्यूज फोर्ट्स, रॉयल पैलेसेस एंड ऑफ कोर्स यमी राजस्थानी कुजीन। दिस इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ब्रह्मगणी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। जयपुर, वैसे तो ये जगह पॉपुलर है अपने गुलाबी शहर एंड बजलिंग बाजार्स के लिए, बट देयर इज अ लॉट टू डू हियर। तो आज मैं आर्य जगताप आप सबको लेकर चलता हूँ ऑन अ वर्चुअल टूर थ्रू दिस ब्यूटीफुल पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान। जयपुर में हम स्टे कर रहे थे होटल रीनस पर, विच कॉस्टेड अस अराउंड 5000 रुपीस पर नाइट पर रूम फॉर टू पीपल्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। वी रियली हैड अ कंफर्टेबल स्टे हियर। अब आगे Apart from just being a gate, this is one of the most popular and Instagrammable place in the city Jaipur. Aur hai bhi kyun nahi? Kya khoobsurat gate banaya hai? Like on every wall you can see the Rajasthani touch into it. हम आए हुए हैं जयपुर के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन एंड मोस्ट पॉपुलर फोर्ट पर। वी आर एट द जयगढ़ फोर्ट। यहाँ पर है वर्ल्ड की बिगेस्ट कैनन, यानी कि दुनिया की बिगेस्ट तोप। तो चलिए वो भी देखते हैं। ये जो आप हमारे पीछे जयवान तोप देख रहे हो, इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 31 feet and 3 inches एंड इसका वेट है करीबन 50 टन्स के बराबर। लाइक लिटरली, इजंट इट अमेजिंग? और वो भी उस समय, हाउ वाज इट पॉसिबल यार। एंड इसी जयगढ़ फोर्ट से जयपुर सिटी एंड जल महल का इतना इनक्रेडिबल व्यू मिलता है ना, लाइक जस्ट लुक एट इट। देर इज ऑल्सो अ फैक्ट कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दुश्मनों पर तीर से अटैक करने के लिए यूज हुआ जाता था। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये जगह तोप के लिए यूज की जाती थी एंड यहाँ से दुश्मनों पर गर्म तेल डाला जाता था। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए आगे और भी देखते हैं। जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, जो कि वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काफी खूबसूरत रास्ता था, रास्ते में हमें मोर भी देखने मिले। सो वी आर एट नाहरगढ़ फोर्ट एंड यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है, चाय ब्रेक। एंड दिस चाय मसालेदार चाय है, बिल्कुल वाह, कुल्लड़ की चाय। एंड मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, इट्स प्रोबेबली 17 और 18 डिग्री सेल्सियस एंड दिस चाय इज परफेक्ट फॉर इट। चीयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काफी विशाल, बहुत ही यूथ साइज में यहाँ पर एक स्टेप पर है, जो कि उस समय के राजा महाराजा, जो रॉयल फैमिली इस फोर्ट पर रहती थी, उनके पानी के लिए बनाया जाता था। एज वी नो कि राजस्थान में पानी के उस समय से क्या आज भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, उसके वजह से यहाँ पर ये आर्टिफिशियल स्टेप्स वेल बनाए जाते हैं ताकि ये पानी रेन वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ हो सके। या तो नाहरगढ़ फोर्ट पर लोग आते हैं स्पेशली यहाँ का सनसेट देखने एंड इट्स जस्ट मैजिकल। लाइक जस्ट लुक एट इट, पूरे जयपुर सिटी का व्यू आपको यहाँ से देखने मिलता है।
भाई साहब, दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. मस्ट डू थिंग इन जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया. इंडिया में घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम. सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर. अल्बर्ट हॉल म्यूजियम इन जयपुर इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ द स्टेट राजस्थान. द म्यूजियम हैज अ रिच कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कारपेट्स, आइवरी, स्टोन, मेटल स्कल्पचर्स एंड वर्क इन क्रिस्टल. अल्बर्ट हॉल म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद हम हमारे होटल पर लौट आए. अब अगले दिन तो दोस्तों, आमेर की छोटी छोटी गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट, और अभी हम विजिट करने वाले हैं आमेर पैलेस को. वैसे तो ये फोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर आपको बहुत चलना पड़ेगा, सो मेक श्योर यू वेयर कंफर्टेबल शूज. नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द फोर्ट. तो अभी हम आमेर फोर्ट घूम रहे थे और यहाँ पर हमें अंकल मिले. आपका नाम क्या है? हनुमान नायक, और बाजे का नाम है रावण हत्ता. ये राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है. ये जो देख रहे हैं घोड़े के बाल होते हैं, ये मेटल के तार हैं, लोकल लकड़ी होती है, ये बांस होता है, ये बकरे का चमड़ा है, ये नारियल होता है. सिर्फ एक पे बजाया जाता है, बाकी से आवाज़ बनती है. ये हवा द्वारा खुद ब खुद बजते रहते हैं, एक पे ही उंगलियाँ टच होती है. अच्छा, आप कितने साल से बजा रहे हैं? मैं बचपन से बजा रहा हूँ, करीबन 48 साल हो गए मेरे. थैंक यू. तो फिलहाल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अंबर पैलेस जयपुर का, एंड हम हैं दीवाने आम में, जहाँ पर जो उस समय के महाराज रहते थे, राजाएं रहते थे, उनकी जो आम लोग रहते थे उनके साथ यहाँ पर बातें हुआ करती थी. वेल, नॉट ओनली दैट, यहाँ पर कई सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, चौदह अकबर एंड व्हाट नॉट. ये किला ओरिजिनली बिल्ट हुआ था राजा मानसिंह द्वारा, पर अगले 150 सालों तक कई रूलर्स इसे एक्सपांड करते गए, एंड आज ये काफी विशाल किला बन चुका है. किला एक्सप्लोर करने के बाद एग्जिट करते वक्त आप पपेट शो भी एंजॉय कर सकते हैं. तो दोस्तों, पिंक सिटी के गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिटी पैलेस. सिटी पैलेस इन जयपुर इज अ रॉयल रेसिडेंस, जहाँ पर आज भी राजा रानियां अपने फैमिली के साथ रहते हैं. ये सिटी पैलेस मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर से बना हुआ है. देयर इज आल्सो अ फैक्ट कि इस सिटी पैलेस में दुनिया के दो सबसे बड़े चांदी के वेसल रखे गए हैं, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें बनाने के लिए 14,000 सिल्वर कॉइंस को मेल्ट किया गया था. सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए जयपुर के मोस्ट फेमस
हवा महल की तरफ। जयपुर में ई रिक्शा का सफर करते करते हम आ चुके हैं यहाँ के द मोस्ट पॉपुलर, खैर यहाँ के ही नहीं पूरे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट हवा महल पर। एंड जस्ट लुक एट इट, पिंक सिटी में ये हवा महल सिचुएटेड है एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाव, हवा महल के बाहर फोटो सेशन करने के बाद हम निकल गए जयपुर के वेरी वेरी पॉपुलर चौकीदानी की तरफ। एंड यहाँ एंटर करते ही हमारा बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में स्वागत किया गया। चौकीदानी इन जयपुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल राजस्थानी थीम्ड विलेज, जहाँ पर आप पपेट शो, फोक डांस, कैमल राइड, बोटिंग, ऐसे कई सारे फन एक्टिविटीज कर सकते हो। यहाँ अगर आप आओगे तो आपकी दिन भर की थकान निकल जाएगी। तो चौकीदानी में घूमते घूमते रात के 10:30 बज चुके हैं एंड इट्स डिनर टाइम राइट नाउ, और यहाँ पर खाने पीने की सेवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी चीजें आते जा रही है। हम बॉनफायर के सामने बैठे हुए हैं एंड इट्स लिटरली फ्रीजिंग क्योंकि 13 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो चौकीदानी बिल्कुल मिस मत करना। तो कुछ ऐसा था हमारा ये पिंक सिटी ऑफ इंडिया का सफर। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है तो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी जयपुर ट्रिप कब प्लान कर रहे हो। वेल, हमारी ट्रिप यही खत्म नहीं हुई है। जयपुर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने वीडियो खत्म होने से पहले जयपुर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, जयपुर जैसा कोई शहर नहीं है।